माघ महा महत्तम पंचम अध्याय। हरे कृष्णा राधे राधे। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेके स्नान करने मात्र से ही हमें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत पावन महीना है, बहुत ही पवित्र और बहुत ही फलदायी। इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी साधक को फल देते हैं। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है, तभी आप ये माघ महत्तम सुन रहे हो। अब हम श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 5 सुनेंगे। तीन लोक 14 भवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महा महत्तम के अध्याय 4 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास का महत्तम सुना था, जो उन्होंने राजा सहस्रार्जुन को बताया था। अब आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में शेष समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान पुण्यों की वृद्धि करवाने वाला होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वो रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। उसने अपने इंद्रियों को जीता हुआ था। वो सदैव सत्य बोलने वाली, सुशील, दानशीलता तथा तप करके शरीर को सुखाने वाली थी। वो अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। यहां उच्च वृत्ति का अर्थ है कि वो धान्य के कणों का संग्रह करके उसी को खाकर तपस्या करती थी। वो वल्कल धारण करती थी, वल्कल मतलब वृक्ष की छाल का कपड़ा, और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वो दिव्य 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद नामक दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा त्रिलोत्मा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वो अत्यंत रूपवती, ज्ञान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल आदि से सजी हुई थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वो त्रिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद दैत्यों के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद दैत्यों से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वो सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्य उस परम सुंदरी को देख और मदिरा पान के कारण काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए, मतलब आपस में ही लड़ने लगे और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्मा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दसों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा,
हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्नान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को वहीं पर भोगो। सो हे राजन, वो ब्रह्मणी आज भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यतन के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना ही चाहिए। माघ महा महत्तम पंचम अध्याय समाप्त। देखा आपने, सिर्फ माघ मास में स्नान करने के प्रभाव से वो ब्राह्मणी अप्सरा बनी और उसे सूर्य के रथ पे स्नान मिला। ये प्रभाव है माघ स्नान का। इसलिए सब प्रयत्न से माघ स्नान जरूर करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करें। कल माघ मास महत्तम के अध्याय 6 में आगे की कथा सुनेंगे। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान। क्षण भंगुर है जीवन पगले, कर ले प्रभु का ध्यान। ना जाने कब दे का पंछी कर जाए प्रस्थान। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी भी समय है ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लो। कलयुग में तो ये काम बहुत आसान है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके मुक्ति भुक्ति शक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए अपनी हर सांस के साथ प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।